नैना देवी मंदिर के पुजारी उमेश गौतम के बेटे अमोल गौतम भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं और उनकी पहली पोस्टिंग असम में हुई है। लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार घर पहुंचने पर अमोल गौतम का गर्मजोश के साथ स्वागत किया गया। लेफ्टिनेंट बनने पर पूरा परिवार खुश है। भारतीय सेना में मां ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने एक लौते बेटे को देश की सेवा के लिए सेना में भेज दिया। पिता का भी सपना था कि उनका एक लौता बेटा देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल हो। लेफ्टिनेंट अमोल गौतम ने कहा कि शुरू से ही परिवार का उसे बहुत सहयोग मिलता रहा, विशेष रूप से माता का और पिता का। मेरा बहुत प्यारा बच्चा है और इधर सारा बचपन जड़ा मेरे हाथ गया और बहुत ही प्यारा, और बाबा जी का भी बहुत भगत सी है, पर मैं जिसका देना नहीं दे सकती। मैं देखो सारे पहले दसवीं दे विचों पास होके, पास भी नहीं होया सी तां ये चंडीगढ़ चला गया, उस वेले सिलेक्ट हो गया है। 16 साल की उम्र से सारी दी, उस तो बाद फिर उतों 3 साल रह के फिर गुन्ने चला गया। गुन्ने जाने तो बाद उ तीन साल रह उतों फिर 3 साल उत्थे रहा। फिर उस तो बाद भी इन्हें बहुत मेहनत की, लास्ट बिच ते फिर उत्थे पहुँचे आए हैं देहरादून। पर जी इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत, साढ़ा तो आशीर्वाद ही सी, पर एदी जेड़ी मेहनत जेड़ी है वह तो इन्हें ही की। बाकी ए, मेरी यही इच्छा है कि बाकी छोटे भी बच्चे है इन्हों भी अपना हाथ रखे ते नाल अपनी अच्छी जॉब पे जाए। हाँ जी हाँ जी, ते बस जी यही साड़ी इच्छा है, यही साड़ी ओ। सानू बहुत गर्व महसूस हो रहा क्योंकि साड़ी फैमिली चो कभी भी कोई आर्मी च नहीं गया, ये सब तो थोड़ा पहला ही बच्चा जो आर्मी च गया। पर इस तो भी ज़्यादा जो है यदा श्रेय जाता यदी मदर न, क्योंकि उन्होंने एको एक बेटा है, उन्होंने आर्मी च भेजा, फिर भी आर्मी च भेजा। साढ़े एक बेटा एक बेटी है, बेटी डी यू च पढ़ रही है, तो एको बेटा फिर भी मां ने अपना हिरदे स्ट्रोंग करके हार्ट स्ट्रोंग करके आर्मी के भेजा, तो असी बहुत खुश हैं। आर्मी ही क्यों तुम अपने बेटे ने की बेटे का शौक से पहला आर्मी असी इस करके चुनी क्योंकि पहले इतने अमोल कालिया सी एक, जो अमोल कालिया शहीद होया 1999 च उदो ही बर्थ होया, मैं उदो निश्चय कर लिया कि मैं अपने बेटे को अमोल काले की जगह अमोल गौतम आर्मी च भेजा। ठीक है, बट मेरे पापा ने मैंने मोटिवेट किया महाराजा रणजीत सिंह अकैडमी मोहाली ज्वाइन करने वास्ते, एंड आफ्टर 10th आई ज्वाइन द अकैडमी एंड 2 साल की ट्रेनिंग। इट इज़ अ पंजाब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो आर्मी की ट्रेनिंग दिता है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग इट आई वॉज ओरिएंटेड टूवर्ड्स ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सिस, तो आई क्लीयर माई रिटर्न एग्जाम इन 2018 एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 आया सी, एंड उस तो बाद दिस इज़ द वे आई चूज, यही रस्ता फिर अगे बनता गया। Then I went on to become lieutenant in Indian Army. Physical test भी हुआ थोड़ा कि return चीज़ हो सारे? हाँ जी, it is a in officer line it is दोनों चीज़ों का combination है कि we have to have an intellect also and उधर नाल नाल physical standards भी maintain करने पड़ते हैं। तो before joining AFPI महाराजा रणजीत सिंह अकैडमी I was not good, मैं इन्ना वधिया नहीं सी physical च, but मेरे पिताजी मैंने सवेरे उठा के रनिंग कराने लैके जाते सी, तो मैं बहुत वेट लूज़ किया उसके वास्ते, एंड फिर जिद्दी जिद्दी फिजिकल फिट हुंदा गया चीज़ा आसान हुंदी गया मेरे वास्ते। ठीक है, कभी अंदर तां नहीं लग्गिया वी किधर पंगा लग गया? स्टार्टिंग तां लगदा क्योंकि सिविल बैकग्राउंड तो आने तो बाद इन्ना आइडिया नहीं हुंदा कि किस तरह की ट्रेनिंग होनी, बट एक बार आदत पै जाए दैन सिविल बैकग्राउंड काफ़ी अलग लगन लग पैंदा। जल्दी उठना सवेरे, दौड़ लानी, पीटी फिजिकल एक्टिविटी, उस दे नाल नाल पढ़ाई भी करनी, तो इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, उस तो बाद तुहाडी पोस्टिंग कित्थे होई? हाँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग असम हुई है एंड आई एम कमीशन्ड इनटू द असम रेजिमेंट विच यू कैन सी हियर, एंड मेरी फर्स्ट पोस्टिंग असम है एंड देयर आफ्टर एवरी 2 इयर्स अलग अलग जगह पोस्टिंग आती रहेगी। ठीक है, अपनी एज
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮੋਟਿਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲ ਟਫਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਵਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਫ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਫ ਐਨਸਟਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਸੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੰਦੇਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।